अस्सलाम वालेकुम पाथ न्यूज़ जॉब्स डॉट कॉम में खुश आमदीद। ये सरदार फतेह मोहम्मद खान बुज़दार इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में ये जॉब्स आई हैं, 100 से भी ज़्यादा हैं। ये हॉस्पिटल उस्मान बुज़दार साहब ने बनाया था अपने दौर में। ये सरदार फतेह मोहम्मद खान उनके अबू का नाम है, उन्होंने अपने वाले साहब के नाम पे ये हॉस्पिटल बनाया था। 2020 में शुरू हुआ था और अब 2022 में मुकम्मल हो गया है। तो इसमें ये जॉब्स आई हुई हैं, 106 ये दे सकते हैं आप। उन्हें प्रोफेसर चाहिए कार्डियोलॉजी में, कार्डियक सर्जरी, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, इसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर भी चाहिए इन्हें, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, इस तरह फिर डिफरेंट और भी कैटेगरीज हैं जिसमें हेड नर्सिस, नर्सिस, वुमेन मेडिकल ऑफिसर। ये नीचे ये एडवर्टाइजमेंट आई हुई है, आप इसे दे सकते हैं। ये वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ मैं, आप इसमें आप प्रीव्यू इमेज में आ जाएं और प्रीव्यू इमेज के बाद आप ऐसे जूम कर लें फुल एचडी में। ये मैंने डाउनलोड की हुई है, आप दे सकते हैं इस वेबसाइट पर जी। ये दें प्रोफेसर BS 20 चाहिए इन्हें कार्डियोलॉजी में, एज लिमिट 35 से 50 साल हो, MBBS और इतना मेडिकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये सारी इसमें डिटेल दी हुई है, नीचे कुछ 3 साल का एक्सपीरियंस भी बांधे हुए हैं रेडियोलॉजी में। ये थे ये सामने उनकी तादाद दी हुई है, उन्हें इतनी नंबर ऑफ पोस्ट चाहिए और साथ साथ भी दिया हुआ है। अब यहाँ जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जिसका 18 साल है जिसमें कार्डियोलॉजी में, इन्हें 25 से 45 साल की एज तो बंदा चाहिए। तलीम देते हैं MBBS या इसके बराबर जो हो, ये चाहिए तो FCPS भी आ सकता है, FRCS या MRCP, ये सारी इसमें दी हुई है, मतलब वो भी अप्लाई दे सकता है। सीनियर रजिस्ट्रार इससे भी 18 साल है, यानी इसके लिए MBBS और इतुलेंट नीचे आ जाए। मेडिकल ऑफिसर चाहिए वुमेन में और ये 48 पोस्ट हैं, इसके लिए MBBS क्वालिफिकेशन हो और रजिस्टर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से, ऐसा एक्सपीरियंस भी चाहिए ऑफ जॉब। नीचे हेड नर्स आ जाए, 14 चाहिए 14, जिस हॉस्पिटल उन्होंने 17 दिया हुआ है। और ये MSc नर्सिंग या इससे इतुल होनी चाहिए थे नंबर 2 पे, BSc नर्सिंग पोस्ट रजिस्टर्ड नर्स विद एटलीस्ट 5 ईयर्स पर्टिकुलर एक्सपीरियंस। अगर MSc है तो फिर 3 साल, अगर BSc है तो फिर आपको 5 साल तजर्बा होना चाहिए। नीचे चार्ज नर्स है, इसके लिए उन्हें BSc नर्सिंग जो 4 साल का होता है वो हो, डिप्लोमा हो जनरल नर्सिंग में। तो ये सारी डिटेल नीचे ये इसमें दी हुई टर्म्स एंड कंडीशन में, अपनी दरख्वास्तें जो हैं वो 12/9/2022 से पहले, यानी 12 सितंबर 2022 से पहले आपने दरख्वास्तें जमा करा देनी है। और ये पहले बता दूँ ये ऑल ओवर पंजाब से, जो भी पंजाब में रहने वाले हैं इतने ये फिर देते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब, पंजाब के किसी भी शहर में आप रहते हैं तो आप इस हॉस्पिटल में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो दोस्तों, आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और मेरी आखिर में गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट एड्स आती हैं उनकी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ और वह इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।